गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार आज ये व्लॉग कैसे आ रहा है, मतलब एक साल हो गया अप्रोक्सीमेटली। जस्ट अभी भी उठे हैं और आज का कुछ प्लान था मेरा, जस्ट एक म्यूजिक वीडियो के पर्पस है। एक लोकेशन देखने जाना था, उसको देखने जाना है, काफ़ी अच्छी लोकेशन मतलब मुझे सजेस्ट की गई है, तो आज वहीं जाना है। एंड उससे पहले यार ये देखो भाई, अपने एरिया में इतना मच्छर है, देखो ये चीज़ है, ये इसके लिए हमें ये बांध के रखनी पड़ती है, मतलब नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, कैसे आई डोंट नो। बाकी तो इससे मैं वॉल कलर इसको काफ़ी चेंज किया है, मतलब ठीक किया है, मतलब पहले थोड़ा सा सही लगता नहीं था, देन थोड़ा सा चेंज हुआ है। और एक रीज़न और था कि उस समय जब मैं ब्लॉगिंग करता था तो इतना स्किल चीज़ें नहीं थी और कंटेंट नहीं था और टाइमिंग की बहुत इशू हो रहे थे जस्ट, तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग कुछ दिन के लिए रोक दी थी। बाकी तो यार अभी इसको रिमूव करते हैं, देखते हैं फिर। We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year। आप लोग ये बताना कि यार मेरी आवाज़, यार मैंने शायद अप्रोक्सीमेटली एक साल हो गया और मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं डाला, मेरी आवाज़ में कोई चेंज आया है या जस्ट वही से ही है? नहीं, मतलब वही से ही है जैसे पहले थी, मतलब आवाज़ में चेंज क्यों आया होगा? जस्ट क्योंकि यार मैं जस्ट इस समय जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो सिंगिंग, रैपिंग, फ्री स्टाइल इन सब की ज़्यादा कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी आवाज़ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया हो सकता है कि कुछ भी ना आया हो, मतलब लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी आपके सामने देख रहे हो जाम में फंसे हुए जस्ट हम और अपना नया दोस्त, उससे मिलवाते हैं आगे चल के। और यार रीज़न बताएंगे कि हम ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे थे। काफ़ी लोकेशन अच्छी अच्छी लोकेशन देखते देखते हम लोग जो आए हुए हैं और सीरियसली लग तो रहा है कि काफ़ी डाउन टू अर्थ जा रहे हैं हम लोग। डाउन टू अर्थ का मतलब धरती के नीचे नहीं, मतलब थोड़ा सा नीचे ही जाना पड़ रहा है, नीचे से ऊपर। एक सेकंड आप कुछ सीधा उठे जस्ट यार एक जगह जैसे बहुत परेशान होते थे तो आज नहीं, सीरियसली यार नहीं, बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। अभी जिनके साथ में हम लोग आए हुए, हम लोग के नए दोस्त स्वास्तिक भाई, हम लोग के टीम के मतलब हम लोग के साथ में, हम लोग के जहाँ पे हम पढ़ते हैं वहीं पे ही पढ़ता है साथ, हम लोग की एज दोनों की सेम है, लेकिन फिर भैया बुलाते उसको मना करते हैं, भैया मत बुलाया करो। अच्छा लगता है सीरियसली हमको काफ़ी अच्छा लगा इसका नेचर। और अभी हम लोग आए यार क्योंकि मतलब क्या हुआ था, कुछ समय पहले हम लोगों ने एक सूट वगैरह किया हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स हुई इस वजह से यार बंदे चेंज हो गए, और फिर मुझे भी लगा कि यार शूट वगैरह कहाँ करना है, क्या करना है, लोकेशंस की दिक्कत हो रही थी, एक जगह शूट कर लें तो कोई फ़ायदा है नहीं। अब वीडियो में अगर आपकी ऑडियो अच्छी सब कुछ, लेकिन वीडियो के अंदर जो क्वालिटी और लोकेशंस होती है वो देखिए, जैसे कि ऊपर ये सब इस तरह से कुछ सीन्स हो गए, मतलब जो कि एडिटिंग के बाद में सीरियसली बहुत प्यारे लगते हैं। पहले हमने पूछा था कि स्वास्तिक भाई यार कुछ बताओ लोकेशन वगैरह अच्छी, तो कहता है कि यार यहाँ पर तो कुछ है नहीं। फिर उसने हमें फ़ोटोज़ वगैरह भेजी, तो जस्ट यार हमें इतना अच्छा लगा, मतलब अभी जो मेन लोकेशन है वो लोग रिवील नहीं कर रहे हैं, वो तो शास्त्री भाई बता रहे थे कि अभी नहीं चलेंगे। वो किधर पड़ती है, ऊपर वाली है ना वहाँ, जो कि हम लोगों की मेन लोकेशन है वो वही है, मतलब अस्थियाँ वगैरह चलती हैं क्या? अच्छा घाट है मतलब तरीके से ना, हाँ हाँ ओके सीरियसली, लेकिन फिर भी कल ही की बात, हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे, कल की बात पे थे, तो हमने इनसे कहा कि कोई यार अच्छी सी कोई लोकेशन बताओ, तो यार एक्चुअली यहाँ पे सब अच्छा जली हुई है क्या? राख स्वास्तिक भाई अपने जा रहे हैं और ये सो रहे हैं और बगल में फिर इनके भूत बैठ गया आके, और क्या भाई ये क्या चल रहा है? स्वास्तिक को बताओ एक चीज़ बताओ, आपने सुनो तो हम क्या बोल रहे हैं, इधर देखो एक चीज़ बताओ कि जैसे कि मान लो तुम घर पहुँचे और भूत तुम्हारे बगल में आ गया, फिर क्या करोगे भाई? हम चेस खेलेंगे, मेरे साथ पार्टनर नहीं। चेस तुम्हें मतलब चेस में अच्छा लगता है? डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रह चुके हैं। ओके अपने चैंपियन साहब, मतलब चेस वेस बढ़िया है। सच्ची बताएंगे यार हमको तो यार सस्ते चेस वेस नहीं आता है, क्रिकेट ही मतलब चाबी ताला लगा देना बंद ना घड़ी, ठीक है। चेस वेस तो यार सीरियसली हमको नहीं आता है, क्रिकेट खेल लेते थोड़ा सा। बाकी इस बार शायद हम लोग कॉलेज भी होगा ना क्रिकेट, हाँ
तुम पार्टिसिपेट करोगे? तो इतना नहीं, हाँ खेल लेंगे उसमें, क्या है, पसंद है चलाना पसंद है। अरे भैया जैसे ये सब देख रहा हूँ, मतलब जो सब लोग बहाते हैं वो सब कचरा एंड में जाके यहाँ पे जमा हो जाता है, और ये सब गंगा का ही पानी है, और ये जस्ट ऊपर पुल, मतलब ये सीरियसली देखा जाए तो सीन काफ़ी अच्छा है, जस्ट ये गंदगी की वजह से चीज़ें बिगड़ गई। नहीं था भाई, बाकी देखो हम लोग का जाने का प्लान तो उधर से था, लेकिन यार वहाँ पे सेम चीज़ पूरा यार, बीच से खाली हो, अभी हम लोगों के कपड़े और जूते, ये बैग, वो कैमरा वैमरा लिए, सब कुछ चला जाएगा। जैसे वहाँ है वो एरिया, चले गया उधर, कोशिश करें जा तो रहे। यार देखो बीच से पानी है, आराम से सस्ती भाई चलना, आराम से आराम से आराम से करना, आराम से रखना। हम भी जरा कोशिश कर रहे हैं। अरे बाबा सीरियसली यार, मतलब बालू तो बहुत ज्यादा, गाड़ी, ओ भाई पूरा जो है बालू का। हाँ हाँ पूरा, नहीं यार वो लग रहा है काफी बालू दब रही थी अंदर, गीली है ना काफी। हाँ लेकिन सच्ची बताएं ये एरिया जैसे वैसे हम लोग देखते नहीं फेसबुक पे, जैसे यहाँ पे जादू हो रहा है, वहाँ पे मटकी रखे, वहाँ तांत्रिक बैठा हुआ है, सेम वैसे ही एरिया है यहाँ पे, वो भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। सही बात है यार, सही बात है। और यार लेकिन धूप लग रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। हाँ सुंदर सुंदर, बड़ी बड़ी इतनी झाड़ है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं ओयो नहीं बना हुआ कपल्स का? तो भाई ये देखो देख सकते हो भाई, सीरियसली मतलब जहाँ पे देखो एक कदम छूटता तो हम लोग इससे चले जाते, कहाँ चले जाते, मतलब यार मिलता ही ना कुछ चीज़ें यार उस तरह से आती ही ना, बस व्यू सीरियसली भाई बहुत तगड़ा लग रहा है, कोहरा और सर्दी भी है, मतलब सर्दी तो बोल सकते हैं लेकिन एवरेज चीज़ें हैं, ठंडा लग रहा है जब हम लोग ऊपर से आ रहे थे वाले पुल से, लेकिन अभी तो सब चीज़ें सही है। इन बात की भाई हमने ब्लॉग इतना लेट क्यों डाला, जस्ट बिकॉज ऑफ यार एक तो कंटेंट मेरे पास नहीं था, कहीं जा नहीं पा रहे थे, कॉलेज का काम और बहुत कुछ चीज़ें थी, प्रॉब्लम घर को संभालना, चीज़ें सब मुझे ही करनी पड़ रही थी, इस वजह से मैं रुक गया। फिर मुझे लगा कि भाई अब क्या करें, तो फिर चीज़ें अपने आप होती गई, फिर मुझे लगा कि मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया ऑलरेडी, पता होगा मुझे याद है फर्स्ट ब्लॉग मैंने डाला था जिसमें कॉलेज में जब मैं एडमिट कार्ड लेने गया हुआ था, और उसके बाद मैं चीज़ें होती गई, चीज़ें मिलती गई, तो मैं ब्लॉग डालता कि अब मैं आपको डेली अपनी घर की लाइफ दिखाऊं, भाई अभी उठे हैं, भाई ब्रश कर रहे हैं, अब स्वास्थ्य में खुद भी तो अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, तो बस वही चीज़ें बस उससे क्या डाले। फिर कॉलेज हो गया, 10 से 5 का मेरा कॉलेज था, और उसके बाद मैं यार कॉलेज का काम चीज़ें, फिर उस टाइप पे चीज़ें हो ही नहीं पा रही थी। एक मुझे चीज़ मिली जो कि थी ब्लॉगिंग स्किप करके रैप करने का, तो रैप करा, चीज़ें थोड़ी सी करी, और आप देख रहे होगे मेरी पहले के ब्लॉग से जो बात करने का तरीका वो काफ़ी, और मेरी आवाज़ में भी चेंजमेंट आया कि नहीं आया कमेंट से बताना, मुझे क्या पता, बाकी हो सकता है कि ऑडियो क्वालिटी सही ना आ रही हो, क्योंकि मैं माइक लेके नहीं आया हूँ, तो उसके लिए सॉरी, बाकी तो यार एंजॉय करो ये व्यू, बहुत हमने ज्ञान दे दिया। वाओ तो नहीं ऊपर लोग क्रिकेट खेला करते हैं किधर, उधर ही ऊपर हमने गए एक बार जो है ढाई मारी तुमने गए काम पे, नहीं बॉल गई तो फिर मिले ना गांव, अरे जान ना मिले। सही बात है यार, वो ऊंचा भी बहुत है, वो जो फोटो भेजी थी काफी अच्छी लग रही थी। चलते यार यहाँ से, अब वही पे जो हम लोग की मेन लोकेशन है, इतने सस्पेंस के बाद में चीज़ें अब होने जा रही, देखते कैसा क्या है कि नहीं। सीरियसली जिस तरीके से स्वास्थ्य को बता रहा है मेरे यार, लोकेशन तो मतलब काफ़ी तगड़ी होने वाली है, सब कुछ खड़ा हो जाएगा, रोंगटों के साथ में पूरी बॉडी, वाह सच्ची बताएंगे यार हम। स्वास्थ्य भाई आज सुबह सुबह उठे थे तो मैं कॉल किया मैसेज किया कि आज चलना है ब्लॉग के लिए, पूछा सुबह हमसे था 6 बजे उठ गए थे, नींद खुल गई थी। हाँ मैं 1 बजे उठे, 1 बजे से 4 बजे तक हम फोटोशॉप का ट्यूटोरियल देख रहे थे, तो नींद आई, मुझे सो जाओ नहीं तो जा नहीं। नहीं नहीं सही बात है, हो जाता है ना कई बार, तो वही चीज़, तो फिर उठे तुमको मैसेज किया हमने, उसके बाद में फिर लेट गए, हमने कहा चलो ठीक है, फिर हम 8:07 पे उठे थे उसके बाद में। ये भी लोकेशन यहाँ पे शूट कर सकते हैं देखा जाए, सीरियसली यार जम्मू कश्मीर की याद आ गई, काफ़ी खड़ी है यार ये, इधर इधर
यार मारना नहीं, हट हटो बे, मारो तो नहीं बता रहे बेटा, मारे बकरे हैं ज्यादा, मारना नहीं ठीक है, मारेगा खुला अभी खुला है। आई आई रहने दीजिए। अरे भैया जान दो जान दो, कुछ नहीं बोलेंगे, जाओ जाओ जाओ, कुछ नहीं करेंगे, जाओ। अरे मैं पीछे पड़ गया साला, बकरा बड़ा हरामी है। हाँ इधर से ग्रेवियार टाइप है क्या? अरे देखो सर्दी है तो जो है, नहीं नहीं सही बात, लेकिन फिर भी भाई देख रहा हूँ किस तरीके से दिया हुआ, कानपुर के अंदर भी ये कुछ है यार, वाह। और नीचे का पानी जस्ट भाई कितना गहरा है, अरे भाई जरा सा नीचे तो खत्म, ये देखो भाई ये देखो, अरे भैया नहीं सीरियसली यार, मतलब कोई शब्द नहीं है, अगर ठंडी का मौसम नहीं होता और जो ग्रीनरी, जो ग्रीन ग्रीन ग्रास अगर वो प्रॉपरली, वो सीरियसली बहुत प्यारी लगती, लोकेशन सीरियसली अनबिलीवेबल, सब नहीं है। ये इनकी पोटली खुल रही है, अब देखते हैं इस डोरेमोन पोटली से क्या क्या निकलता है। खुल गया सेंसेन, उन्होंने खोला, ये देखिए कुछ कुछ तो है, कुछ तार से निकल रहे हैं, कुछ तो है। ये हमारा छोटा सा लेकिन बहुत खतरनाक, कुछ देते से ज़्यादा खतरनाक होती है ये बात, बिल्कुल सही है, छोटी गन से ही तो सब कुछ होता है। हमारी मैगजीन, हाँ इसको डाला और ये लोड हो गई, लोड हो गई, चलने के लिए तैयार। अब जो यार कुछ सिनेमैटिक्स आपको मिलेंगे वो इस कैमरे से मिलते हैं, तो जस्ट देखते हैं यार, बाकी इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोगों की जो म्यूजिक वीडियो वो किस लेवल पर जाने वाली है। एक नई लोकेशन फिर से, क्रेडिट गोज़ टू स्वास्तिक भाई, पीछे हैं अपने स्वास्तिक साहब, जय माता दी। मतलब सीरियसली देखो बहुत शांति और पूरा जंगल ही जंगल, देखो पूरा ही जंगल जंगल, मतलब एक तरीके से अगर पता ना हो, हमें तो लगता था कभी ऐसी लोकेशन अपने कानपुर में तो है ही नहीं, लेकिन अभी देखा तो भाई सीरियसली आते 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 आते, अभी टाइम कितना हो रहा है स्वास्तिक? 12 बजने वाला, हम निकले कितने बजे हुए थे, शायद 9:30 बजे निकल गए थे अप्रॉक्स, तुम शायद 9 बजे घर पे, घर से निकले तुमने, अब रखो ऐसे ही 12 बजने वाला, टहलते टहलते तो भाई पूरा जंगल अगर यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर जाए कितना तगड़ा आएगा। वैसे आप कुछ स्टोरी शेयर करिए, स्कूल वगैरह की, मतलब क्या करते थे स्कूल पे? स्कूल से आके बंक अगर मारना होता था, हाँ। यहीं आगे क्रिकेट होता था, यहीं खूब बल्लेबाजी होती, हाँ। मैटर भी यहीं होते थे, सब कुछ यहीं होता था, बैठे लेटे जा रहे हैं, लोटे जा रहे हैं, बंदर की तरह चढ़े जा रहे हैं ऊपर, सब कुछ यहीं होता। और इन लोगों को ये समझाओ कि यहाँ पे क्या लेकर आना चाहिए हम लोगों को? हाँ भैया अपनी जो है अर्धांगनी को तो बिल्कुल मत लाइए, कि आपके वो भी टूटेंगी आप भी टूटेंगे, समझ गए ना? तो भाई इससे अंदाजा लगा लूँ कि अगर हम स्पेशली जस्ट ब्लॉग बना रहे हैं जस्ट अपनी सूट के लिए, तो जो वीडियो का गाना होगा कितना तगड़ा होगा भाई, मज़ा आ जाएगा।